वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान सहगण ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणेति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं स्तं शिरसा नमामि। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्थ चरित्राय स्वाश्रिता नंच पालिने जीव दुखे सदात्राय श्री नाम प्रेमदायिने। नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ते नामिने श्रीभार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणे। नमो गौरकिश्वराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलंब रसाम्बुधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगबरायते गौराभिभावमीस्तं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। लाइट बता सो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लाइट आ गई ना। हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण दावानाल साम संसार दहनी दग्ध जीव कुला उधार कारणी करुण भारित कृपा भारी दानी बद से गुरु चरण कमला मृत जी का वाद श्रीहरि कीर्तने रहे न मगन महामत मनी
तं पासु हैरवप्रेमे चरणकमल सदरत जिनि विग्रह सेवने श्रृंगारदिया स्वादु है भक्ता स्वादने निज तृप्त रहे बंदिसे गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादने लुब्ध चित जिनी हन प्रतिसने बंदिसे गुरु जो वंद रति संवर्धने युक्ति करे सखी सनि वृंदावनी अति दक्षत है प्रियतम गने बंद से गुरु चरण कमल सर्वशास्त्रे गाए प्रिय स्वरूप भक्त गण भावे से प्रभो प्रियतम रूप बंद से गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाई जर प्रसाद अन्न गति नाई त्रिसंध कीर्तिर सब जाने भाई बंद से गुरु चरण जतन करी राम मूर्ति पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि सेवा पाई से वस्तु सिद्धि काल पूरा गोरा
Krishna Pave Karanika
काय चरण दो Oh,
हरि हरि कबे मोर हरि बे सुदीना हरी
దేవమంతగా
Yeah.
कृष्ण हरे 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 कृष्ण चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाये तुलसी देवै प्रिया अयि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे पितामह भीष्म भगवान को स्तुति कर रहे हैं। बोले ठाकुर जी अब थोड़ी समय मेरे सामने खड़े हो जाओ, जब तक मेरे ये अंतिम श्वास मेरी नहीं जाता है। इसलिए कृष्ण सामने खड़े हुए और पितामह भीष्म भगवान को स्तुति कर रहे थे। बोले त्रिभुवनम कमलम तमालवर्णम रविकर गौरव बराम्बरम दधाने बपुरलक कुलाल वृतान नाब्जम
विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या। कल हम श्रवण कर रहे थे पितामह भीष्म क्या प्रार्थना कर रहे हैं, बोले प्रभु हमारी जो जो चित्त वृत्ति है किसके प्रति रहे, बोले विजय सखे। विजय मतलब अर्जुन का एक नाम विजय है, कहते उनका जो सखा कृष्ण उनका चरण में हमारी मति, उनके चरण में ही हमारी मति रहे। बोले कारण क्या, कल हम लोग इसकी बहुत कारण सुन रहे थे, कृष्ण कैसे अर्जुन को और उनका भक्तों को जब जब कोई विपत्ति पड़ी हर समय कृष्ण उनको रक्षा किया है। बोले एक समय पितामह भीष्म बोले दुर्योधन एक काम करना तुम अमर बन जाओगे। बोले कैसे, बोले मैं जब भजन करूँगा सवेरे, जब भजन करने के बाद जब मेरी आँख खुलेगी तुम अपना पत्नी भानुमती को लेकर के आ जाना, बस मैं उसका आशीर्वाद दे दूंगा, तुम अखंड सौभाग्यवती भव। स्त्री अखंड सौभाग्यवती अगर हो कभी कब होगी, जब उसका पति जिंदा रहेगा। अगर तुम्हारी पत्नी अगर अखंड सौभाग्यवती होगी तो अमर हो जाओगी। एकदम कल सवेरे सवेरे ले आना जब मैं भजन से उठूंगा। कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण ने देखा है बड़ा गड़बड़ी होने जा रही है, इसलिए कृष्ण इंद्र को आदेश दिया, बोले ऐसे मूसलधारा से बारिश करो जैसे घर से कोई निकल नहीं पाए। इतने तेजी से बारिश हुई, इतने तेजी से बारिश हुई घर से कोई निकल नहीं पाए। दुर्योधन चिंता में पड़ गया, बोले कैसे भानुमती को लेकर के जाऊं, हैं? बोले ये घर की बात है, आज अगर बारिश हो रही कल चले जाएंगे, क्यों घर की बात है, हैं? लेकिन इतने में कृष्ण आए, बोले द्रौपदी जल्दी जल्दी निकलो। बोले कहाँ इतने बारिश, बोले बात मत करो मेरे साथ साथ में चलो, हाँ एकदम बात मत किया करो। बोले करना क्या है, बोले पितामह भीष्म को जाकर के प्रणाम करना और घूंघट को थोड़ा ज्यादा उतार करके रखना, हैं? जरा ओढ़ करके रखना, क्योंकि पितामह भीष्म तुम्हें आशीर्वाद देंगे अखंड सौभाग्यवती भव, जब देंगे तभी घूंघट को खोलना, क्योंकि उन्होंने भानुवती को बोले थे और दुर्योधन को लेकर के आने के लिए, हैं? वो तो आएगी नहीं। जब तुम अपना घूंघट खोलोगे, बोले पितामह भीष्म आप मेरे को आशीर्वाद दिया मैं अखंड सौभाग्यवती बनूंगी, कब बनूंगी, जब मेरे पति जिंदा रहेंगे ना तभी घूंघट खोलना। बोले ठीक है, उन्होंने द्रौपदी को लेकर के आ गए और कृष्ण बाहर खड़े हो गए, बोले तुम जाओ अंदर में, तुम जाओ। और उनकी जो जूते को कृष्ण स्वयं अपना बगल में ले लिया, हैं, बगल में, क्योंकि जूते से पता चल जाता है ना इसके जूते है, इसलिए कृष्ण स्वयं बगल में ले गए। लेकर के जब द्रौपदी गई, जब पितामह भीष्म भजन में बैठे हुए थे, जब उन्होंने नेत्र खोला, बात सोचे सामने से आद भानुमती होएगी। इतने में द्रौपदी घूंघट उघाड़ करके प्रणाम किया, जब प्रणाम की इतने में पितामह भीष्म आशीर्वाद दिया, बेटी तू अखंड सौभाग्यवती भव है। जब बोले इतने में उन्होंने घूंघट उतारी, बोले पितामह आप मेरे को आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव, मैं तभी बनूंगी जब मेरे पति जिंदा रहेंगे ना। बोले तू कैसे आ गई, मैं तो दुर्योधन को बोला था तुम्हारी पत्नी भानुमती को लेकर के आना, तू कैसे आ गई इतने घनाघोर बारिश में। बोले तेरे साथ में कौन है, बोले वही नटखट है, हाँ वही नटखट कृष्ण है। बोले तो मैं यही सोच रहा हूँ, नहीं तो ये बात किसको पता ही नहीं, हाँ? बोले द्रौपदी जिसको राखे साइया मार सके ना कही, कोई बाल ना बांका हो सके जो जगह बैरी हुई, इसलिए कृष्ण की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, उसकी आशीर्वाद जिसके सर पर उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है, आशीर्वाद दिए। इसलिए ऐसे कितना बार जब जब ये अर्जुन के ऊपर में कोई भी विपत्ति पड़ी उस समय में कृष्ण हर समय उनको साथ दिया। इसलिए पितामह भीष्म कह रहे, बोले हे प्रभु हमारी जो मति है प्रीति किसको प्रति, जो अर्जुन का जो सखा कृष्ण, मतलब क्या है, जैसे अर्जुन का प्रति कृष्ण बारंबार उनके ऊपर में कृपा की, इसलिए कृष्ण हमारे ऊपर में भी बारंबार कृपा करते रहेंगे। ऐसे जो कृष्ण के चरण में हमारी मति गति हो। जब उन्होंने इस प्रार्थना की इस समय करे तो, लेकिन अभी पितामह भीष्म कहते विजय सखे, मतलब उसी समय में पितामह भीष्म किस कृष्ण किस रूप में, उस समय कृष्ण युद्ध हो रहा था, हैं? युद्ध में
जो अश्व का, हाँ घोड़े का खूर से जो धूल उड़ रहा है, पूरा कृष्ण का शरीर में धूसरित है। और उसी समय में कृष्ण का जो केश है ये भी व्यतिवस्त केश है, वस्त्र भी ठीक वैसे है। और उसी समय में हैं कहते क्षत व्यक्षत, इनके बाण से शरीर का, कृष्ण का शरीर भी क्षत व्यक्षत है। और कृष्ण एक हाथ में क्या कर रहे हैं, घोड़ा का लगाम पकड़े हुए, और एक हाथ में चाबुक है, घोड़े कोड़े हैं। और उन्होंने क्या कर रहे हैं, सारथी का काम कर रहे हैं ना, कृष्ण सारथी का काम है। और जैसे घोड़े को हूं हूं करके खींचते हैं, ऐसे ही कृष्ण खींच रहे, इस तरह चाबुक मार रहे हैं। कहते इसी स्वरूप कृष्ण का उसी समय में है, उसी समय में यही स्वरूप है, है? इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ टीका में कह रहे हैं, अब पितामह भीष्म भी कह रहे हैं, बोले प्रभु ऐसे लग रहा था जैसे आप अर्जुन का पक्ष में होकर के युद्ध कर रहे हो, लेकिन मैं अंदर से देख रहा था अब ऊपर से तो अर्जुन का पक्ष से युद्ध कर रहे थे, लेकिन अंदर से मेरे पक्ष में युद्ध कर रहे थे। बोले कैसे, बोले आपने युद्ध से पहले आपने क्या प्रतिज्ञा किया था, दुर्योधन को आपने क्या बताया था, बोले देखो मैं मेरे नारायण जो सेना है एक तरफ में, जिनको कोई परास्त नहीं कर सकते हैं, ये एक तरफ में 11 खोणी सेना, और दूसरे तरफ में मैं हूँ, लेकिन देखो मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं निहत्या हूँ, मैं युद्ध करूँगा नहीं, है निहत्या। इसलिए बताओ ये दोनों में तू किसको लेना चाहते हो। दुर्योधन ने देखा ये निहत्या युद्ध पुद्ध करेगा नहीं, निकम में इसको लेकर क्या होगा, हाँ। और नारायण सैनिक कहते कृष्ण बड़े बलवान है, उनको परास्त करना बड़ा कठिन ही है, भैया नारायण सैनिक ले लो, इसलिए दुर्योधन ले लिया। लेकिन पितामह भीष्म को जो पता चला कृष्ण कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, पितामह भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की, बोले तब मैं शांतनु तनु कहा हूं जब हरि से अस्त्र गा हूं, तभी मैं शांतनु का पुत्र हूं। अगर भगवान कृष्ण को जब तक मैं अस्त्र धारण नहीं करा दूंगा मैं शांतनु तनु नहीं कहलाऊंगा। ये किसका प्रतिज्ञा, पितामह भीष्म का, भगवान को अस्त्र धारण कराऊंगा। भगवान का क्या प्रतिज्ञा, मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। इसलिए पितामह भीष्म कह रहे हैं प्रभु ऊपर से क्या दिख रहा था आप उनके तरफ में युद्ध कर रहे हो, लेकिन अंदर से देख रहा था आप मेरे तरफ से युद्ध कर रहे हो। जिस समय युद्ध हो रहा था, युद्ध करते 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 आज पितामह भीष्म ऐसे युद्ध कर रहे थे, ऐसे बाण मार रहे थे, अर्जुन जितना बार प्रत्यंचा चढ़ाए ना बाण मार कर उसको काट देते हैं, किसी तरह से आज अर्जुन टिक नहीं पा रहे हैं, और ऐसे पेन पेन अस्त्र को मार मार करके पूरा अर्जुन का शरीर एकदम छेल गया, पूरा रक्त एकदम खून खून हो गया उनका शरीर, अर्जुन किसी तरह से उनके सामने टिक नहीं रहे। इतने में तो अर्जुन अभी गिरने वाला है, हाँ अर्जुन अभी गिरने वाला है। कृष्ण ने देखा ये बूढ़े को आज क्या हो गया, हाँ ये बूढ़े को आज क्या हो गया, ये बूढ़ा तो छलांग लगा लगा करके आज युद्ध ऐसे कर रहा है, मेरे पार्थ को तो आज मार डालेगा, हैं मार डालेगा। जब उन्होंने ये चीज को देखा ना, बोला जी बूढ़े को मैं दिखा देता हूँ, हैं ये क्या सोचता है मेरे रहते हुए, क्योंकि भगवान का प्रतिज्ञा है मेरे भक्तों का विनाश नहीं, अगर अर्जुन का विनाश हो गया तो मेरी प्रतिज्ञा ही खत्म हो जाएगी, हैं। इसलिए इतने में कृष्ण ने किया बोला अभी मैं दिखाता हूँ। उन्होंने वहीं से कूद पड़ी, कूद करके वहां पर एक पहिया पड़ा हुआ था, रथ का पहिया, और इतने में पिता कृष्ण पहिया को उन्होंने उठा लिया, उठा करके दौड़ पड़े भीष्म को मारने के लिए, बूढ़े को आज दिखा लूंगा। लेकिन जब दौड़ पड़े ना, इतने में कहते कृष्ण का जो पिताम्बर था, इतने में उनका पिताम्बर नीचे गिर पड़ा। इसका दो कारण कहीं कहीं बताते हैं। पहला कारण बताते हैं, अगर भगवान स्वयं क्रोधित हो जाए ठाकुर जी, आप बताओ दुनिया में कोई बच सकता है, विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा अगर भगवान का अंदर में क्रोध आ गया तो। इसलिए जिस समय कृष्ण कूदे ना, ये पृथ्वी भी डगमगाने लग गई हैं भगवान की क्रोध से। इतने में कहते इनका जो वस्त्र, ये कौन है, कहते श्री बलदेव प्रभु इनका वस्त्र है, अभी पृथ्वी को कौन धारण करने वाले, कहते श्री बलदेव प्रभु वही तो पृथ्वी भू स्वरूप तो वही है ना, संधिनी शक्ति अधिष्ठाति देवता बलदेव प्रभु, अभी पृथ्वी को वही धारण करते हैं। मान इतने में उनका वस्त्र जब गिर पड़ा है, इन्होंने पृथ्वी को उन्हें शांत कर दिया, बोले ये एक कारण है।
दूसरा कारण बताते हैं, जब कृष्ण कूदे, कूदते समय जो पृथ्वी हंस रही थी, पृथ्वी एक तरफ में भगवान की पत्नी भी पृथ्वी है, हंस रही थी। बोले क्यों हंस रही थी? बोले क्यों प्रभु, आपने प्रतिज्ञा किया था ना अस्त्र धारण नहीं करेगा, आज क्या कर रहे हो? हाँ, आज ये अस्त्र क्यों धारण कर रहे हो? अपना प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हो। जो तोड़ रहे हो, इतने में पृथ्वी भी हंस पड़ी। जब हंस पड़ी माने इतने में कृष्ण का जो पीताम्बर गिरे, जैसे हंसते समय हम क्या करते हैं, अपना कपड़े को मुंह में रख करके रख लेते हैं, माने उसी तरह से कहते ये पृथ्वी देवी, मानो पृथ्वी देवी के मुंह में कृष्ण कपड़े रख करके बोले भैया तुम हंसना नहीं, आज मैं प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ ना, इसलिए तुम मत हंसना। मानो उसको मुंह में कपड़े से उसको मुंह को बंद ढक रहे थे। इतने में पितामह भीष्म, जब कृष्ण दौड़ पड़े, इतने में पितामह भीष्म ने जब देखा, बोले हे भगवान ठाकुर जी कितने बड़े भक्तवत्सल हैं। हाँ, कहते जिनकी एक इसरा होने पर, कहते जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सु अशेष वसुधाति विभूति विरणम जद ब्रह्म निष्कल अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजाम। ये गोविंद कौन है? बोले केवल जिन केवल एक इसरा पर, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है अनंत कोटि ब्रह्मांड का, जिन्हें केवल एक इसरा पर। आज आज ठाकुर जी हम मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, तोड़ करके मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर उदाहरण देते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण देख रहे, बोले जब प्रिय प्रिय प्रियतम पति हैं, जब पत्नी से मिलने के लिए बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए आते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हुए जैसे उनको देख करके पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है, कहते उसी तरह आज पितामह भीष्म जब देखा कृष्ण हैं, मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए कृष्ण आ रहे हैं, जैसे प्रिया बड़ी प्रसन्न होती हैं, उसी तरह पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु भगवान कितने बड़े भक्तवत्सल है। इतने में पितामह भीष्म अपना धनुष को नीचे रख दिए, रख करके सामने आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करते, हाथ जोड़ कर बोले प्रभु आप कितने बड़े भक्तवत्सल हो। हैं, इतने में और कहते हैं कृष्ण चक्र उठा लिए, भगवान कौन है? सत्यव्रत है, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य, उनका जो इच्छा जो इच्छा करते वो भी सत्य है। अभी तो उन्होंने चक्र को उठा लिए, जो उठा लिए तो चक्र को क्या करेंगे, इसलिए वहीं से उन्होंने चक्र को फेंके। जब फेंके वो चक्र घूमते 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 कहाँ पर गिरा? एक चक्रग्राम, वो जाकर बड़ा एक चक्रग्राम जहाँ श्री नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान, वो चक्र जाकर के वहीं पर गिरा, इसलिए गाँव का नाम एक चक्रग्राम। गए कि नित्यानंद प्रभु गांव में? गए कि नहीं? कौन कौन गए हो? गए थे ना? हाँ, इसलिए चक्र जा करके वहीं पर जा करके चक्र गिरता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया एक चक्र गाम गाम पड़ गया। इसलिए यहाँ पर पितामह भीष्म जब उन्होंने स्तुति की, विजय सखे रति मस्तु में अनवद्य, हमारी जो अहितु की बा निरंतर जब रूप में आपकी ये जो अर्जुन का जो सखा का जो रूप है, मतलब सारथी जो रूप है, हाँ, शरीर में खून का बूंद भी पड़ा हुआ है और केस भी इधर उधर हुए, सारथी का रूप हूँ हूँ कर रहे हो, पितामह भीष्म कर रहे, ये रूप को अर्जुन नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था। बोले कृष्ण कितने भक्तों का प्रेम है वसुद प्रभु, ये रूप मेरे हृदय में प्रकट हो, यही रूप ही है मेरा अंतिम कामना, यही मतलब भक्तों का प्रेम में, अर्जुन का प्रेम में कैसे बसे होते हैं। जब उन्होंने ये स्तुति की तब यहाँ पर प्रश्न करते हैं, कहते पितामह भीष्म आप कौन हो? कहते एक महाजन है, द्वादश महाजन में, हाँ, संतम महाजन में ये एक महाजन है। कहते क्या आप ये बताना चाहते हो कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठ जो रूप यही रूप है, कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ रूप है क्या यही रूप है? तब पितामह भीष्म कहते नहीं, ये रूप उनकी सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं है, हैं? यद्यपि यहाँ पर अर्जुन कौन सा भक्त है? कहते ना ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमा पर ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमा पर, ये प्रेमा पर, प्रेमा तो उद्धव है,
कहते अर्जुन प्रेमापर भक्त है, हाँ ये प्रेमापर भक्त है, साधारण नहीं, बहुत बड़े भक्त है अर्जुन हैं। इसलिए यद्यपि कृष्ण इनकी प्रेम में भसीभूत है, लेकिन भसीभूत होने पर भी, लेकिन वहाँ जो भक्ति है ना, ये ऐश्वर्य मार्गीय भक्ति, ये माधुर्य भक्ति नहीं है, ये माधुर्य भक्ति नहीं। इसलिए जब उन्होंने कृष्ण, जब उन्होंने विराट रूप दिखा दिया अर्जुन को, पहले तो सखा 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 बोल रहे थे, लेकिन जब उनको विश्व ब्रह्मांड विराट रूप दिखाया, देखकर अर्जुन कहाँ उठे, बोले प्रभु पहले जो आपको मैंने सखा सखा बोला मेरे अपराध कर दिया, आप तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, मेरी अपराध हो गई। इसलिए भगवान की ऐश्वर्य देखते ही इनका जो माधुर्य ना घट जाती है, हाँ घट जाती है। इसलिए इनका जो सख्य रस है वो भी ऐश्वर्यमय इनका सख्य रस है। इसलिए कहते ये रूप सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं है, तब फिर कौन सा रूप इनका सर्वश्रेष्ठ रूप है, इनका ब्रज का जो रूप है, हाँ ब्रजवासियों को पास में जो ये रूप का प्रकाश करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ रूप है, ब्रजवासियों को पास में जो प्रकाश करते हैं। अभी पितामह भीष्म सोच रहे हैं ये रूप उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन उनका जो ब्रज का रूप सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो तो बहुत हाई फाई भावना है, वो तो बहुत ऊंची भावना है। लेकिन अभी पितामह भीष्म सोच रहे हैं, तब भी मेरे अंतिम समय है, थोड़ा उसको स्मरण कर ले, अंतिम समय में थोड़ी सी प्रभु को मैं स्मरण कर लो। बोले क्यों, तब यहाँ कहते जो लोभमय जो भक्ति है, हैं कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम कुतो, अभी जो लोभ ऐसे की चीज है, हैं जो लोभ ऐसे की चीज है, भक्ति प्राप्त करने का लोभ ही मूल कारण है, लोभ ऐसे की चीज है, इन्होंने लोभ में बसीभूत होकर के सोच रहे अंतिम समय में उनकी जो ब्रज का जो रूप उसको थोड़ी मैं स्मरण कर लेता हूँ। लेकिन स्मरण करने पर भी यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, लेकिन मेरी जो भावना है, मेरे को तो वही कृष्ण की जो सखा का रूप मेरे को वही प्राप्त हो, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ रूप, बोले कौन सा रूप है, ये श्लोक को याद कर लेना। बोले ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित मना कृत मनु कृत बत्त उन्मदांधा प्रकृति मगन की लजस्य गोभवद्भो, हैं कहते कहते ललित गति विलास बल गुहास, कहते कृष्ण हैं, कहते कृष्ण का एक स्वरूप है धीर ललित। धीर ललित मतलब क्या, जिस समय संपूर्ण रूप में अपना गोपियों को प्रेम में, राधा रानी की प्रेम में जब संपूर्ण बसीभूत होते हैं, ये कहते उनका ये धीर ललित रूप है, हैं धीर ललित रूप है। कहते ललित गति विलास बल गुहास, यद्यपि कृष्ण सबको साथ में उन्होंने लीला की है, हाँ ब्रजवासियों के अंदर में भी सखाओं को साथ में भी लीला की है, उन्होंने मैया जसोदा को साथ में भी लीला की है, लेकिन गोपियों को साथ में लीला की, लेकिन यहाँ पर ये कौन सा लीला का वर्णन करे, उन्होंने रास लीला। कृष्ण जब रासलीला में हैं, कृष्ण जब रासलीला में होते हैं, वहाँ समय जो गोपियों का जो प्रेम है, पहले बताना तीन तरह का प्रेम है, साधारण प्रेम, सामंजस्य प्रेम और समर्था रति, तीन तरह का रति है। लेकिन कृष्ण को संपूर्ण रूप में प्रेम में किसने बसीभूत किया, बोले ये ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को संपूर्ण रूप में बसीभूत किया। इसलिए ललित गति, ललित गति मतलब क्या है, भगवान तो चलते हैं, नृत्य तो करते हैं, लेकिन जब रासलीला में कृष्ण नृत्य करते हैं ना, ये उसी समय में कृष्ण का जो गति, जो चल चल चलना जो रूप है, सबसे बड़ा सुंदर है जब उनको साथ में कृष्ण नृत्य करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब रासलीला को वर्णना करते हैं, वर्णना करते 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 उसकी माधुर्य को लास्ट में वर्णना नहीं कर पाते, लास्ट में कहते मधुरम 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 करते करते खत्म कर देते, मतलब जो भगवान का जो रासलीला वो पूरा के पूरा मधुर मधुर है। इसलिए कहते हे प्रभु आपका जो धीर ललित जो रूप है, गोपियों के प्रेम में जो वसीभूत रूप है, सर्वश्रेष्ठ रूप है, जब रास में प्रकट करते हो। ललित गति बोले विलास बल गुहास, कहते कृष्णा सखाओं को देख कर हंसते हैं मैया को, लेकिन जब गोपियों को देख कर राधा रानी को देख कर हंसती हैं, अब देखना सभी को पास में हंसी अलग अलग हो जाता है। अब सखा को देखकर एक तरह का हंसोगे, माँ को देखकर एक तरह का, लेकिन अपना पत्नी को देखकर के दूसरे तरह से हंसोगे। कहते जब आप
गोपी राधा रानी को देख करके जो हंसते हो वो हंसी सबसे सुंदर हंसी है। और कहते प्रणय निरीक्षण कल्पित और माना, हम सबको देखते हैं, सखा को भी देखते हैं, माँ को, लेकिन पत्नी को भी देखते हैं, लेकिन कहते कृष्ण कहते जिस समय वो गोपियों को तरफ में देखती हैं, राधा रानी को तरफ पे अपने जो प्रणय दृष्टि से दर्शन करते हैं, वो दृष्टि एक अलग दृष्टि है, क्योंकि प्रिया प्रियतम की वहां पर भावना है। इसलिए कहते प्रभु ये जो रूप है आपका सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा, रास लीला में जब आप प्रकट होते हैं। इसलिए उदाहरण देते हैं गोपियां कैसे हैं, कहते गोपियां जैसे मणि है, जैसे जैसे मणि को बीच में अगर कोई इंद्र नील मणि, कृष्ण का रंग कैसे है, कहते इंद्र नील, नील रंग है, और गोपियां देखने में गोरी, देखने में गोरी, उनका अंदर में जब कृष्ण खड़े होते हैं ना, कृष्ण का सुंदर और बढ़ता है, कृष्ण तो वैसे सुंदर है लेकिन जब गोपियां एकदम गोल्डन रंग की, सोना रंग की, और कृष्ण काले रंग की इंद्रमली जैसे, कृष्ण सुंदर है लेकिन जब उनकी बीच में होते हैं कृष्ण और भी सुंदर दिखते हैं, लेकिन जब राधा रानी के पास में होते हैं कृष्ण और भी कृष्ण सुंदर दिखते हैं। इसलिए कहते हैं कृतम अनुकृतवत उन्मद अंधा, कहते गोपियां कैसे हैं, हैं कहते कृष्ण यहाँ पर से विश्वनाथ ठाकुर बहुत एक एक उआर को ना बहुत बहुत मीनिंग उन्होंने बताया, तुम लोग वहाँ के टीका को देख लेना बहुत अच्छे तरह से, कृतम मतलब क्या है, हैं कैसे कृष्ण कैसे गोपियां उन्मद अंधा, मतलब कृष्ण प्रेम में कैसे संपूर्ण रूप में कैसे दीवानी कैसे ब्रज गोपियां उन्मादन था, और कृष्ण की हाँ जब कृष्ण रास अंतर ध्यान हो जाते हैं गोपियां क्या करते, कृष्ण चिंतन करते 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 करते, कोई कहते मैं वही पुतना हूँ, कोई कहते मैं गिरिराज धारण की हूँ, कोई कहते अघासुर कुमार रहा, मतलब इतने उसी रास लीला में इतने कृष्ण चिंता में डूब जाती है, अपने आप कृष्ण लीला की वो अनुकरण करने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रभु ये गोपियों का प्रेम में जैसे आप बसीभूत हुए हो, राधा रानी प्रेम में और किसी का प्रेम में इतना बसीभूत नहीं हुए, इसलिए आपका जो सर्वश्रेष्ठ लीला है ये रास लीला है, ये लीला सर्वश्रेष्ठ लीला है ठाकुर की, ये लीला स्वरूप सबसे कृष्ण की सुंदर स्वरूप ये रूप, लेकिन मैं अनधिकारी हूँ, वो कहते हैं मैं अनधिकारी हूँ, लेकिन अंतिम समय में मैं ये लीला को तो स्मरण कर रहा हूँ, लेकिन हमारे हृदय में तो आपकी अर्जुन का जो सखा रूप ही मेरे हृदय में प्रकटित हो। अभी कृष्ण सामने खड़े हुए, पितामह भीष्म कृष्ण को दर्शन करते करते उनका नाम लेते लेते अपना हृदय में कृष्ण के चरणों को धारण करते हुए उन्होंने अंतिम विश्वास उन्हें त्याग दिया। जब अंतिम विश्वास को त्याग दिया फिर वो गए कहाँ, कहते पितामह भीष्म कौन है, पितामह भीष्म कौन है, कहते आठ जो वसु थे ना है, ये आठ वसु में ये एक वसु श्री पितामह भीष्म है। इसलिए गंगा जी ने क्या किया, सारे बच्चों को जन्म लेते ही गंगा में बहा देती थी, क्यों बहा लेती थी, उन लोगों ने प्रार्थना की थी, वो लोग अभिशाप ग्रस्त होकर के अभिशाप ग्रस्त थी, इसलिए उन्होंने गंगा को बोले आपका हम बेटे बन करके आएंगे। इसलिए गंगा देवी शादी से पहले शांतनु महाराज को बोले ना मैं कुछ भी करूँ कुछ बोलना नहीं, बोले क्यों, उन लोगों ने प्रार्थना की थी तुम्हारी बच्चे बन करके आएंगे, हम बच्चे बनते हमको बहा देना, बहाना नहीं उनको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन लास्ट में जब उन्होंने इतने साथ साथ बच्चों को मार डाली गंगा, इतने में लास्ट में शांतनु महाराज को सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने जाकर बोले तुम क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे एक एक बच्चों को तू पानी में बहा रही हो, तो उन्हें लास्ट संतान दे दिया, वो था कौन था, ये पितामह भीष्म थे। इसलिए कहते एक स्वरूप में तो वो वसु है, इसलिए वो चले गए कहाँ, वो अपना धाम में चले गए, लेकिन इनका जो असली स्वरूप कौन है, पितामह जो भीष्म, ये द्वादश महाजन में एक ये महाजन है, द्वादश महाजन में ये एक महाजन है। फिर उन्होंने कहाँ गए, बोले भगवान की नित्य धाम को, एक स्वरूप में नित्य धाम को और दूसरे स्वरूप में अष्टवसु बन करके दूसरे धाम में चले गए। इसलिए उन्होंने अंतिम विश्वास को उन्होंने त्याग दिए, सारे देवता लोग आकाश मार्ग से देख रहे थे, देखो कितने इनकी अच्छी मृत्यु है, कहते ना जन्म जन्म मोनी जाता न कराई, जन्म जन्म
मौनी जाता न कराए अंतराम कहे आबतनाए अंतराम कहे आबतनाए जनम 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 मौनी जाता न कराए। इसलिए पितामह जब भीष्म चले गए तो उन्होंने कहते युधिष्ठिर महाराज पांडव लोगों ने थोड़ी सी दुखी हुए उनके अंत में संस्कार किए, संस्कार करते हुए तब से युधिष्ठिर महाराज आनंद पूर्वक उन्होंने ससागरा पृथ्वी का एक छत्र राजत्व को प्राप्त करते हुए उन्होंने बड़े आनंद पूर्वक उन्होंने प्रजाओं को पालन करने लग गए। इसलिए अभी कृष्ण बोले देखो बहुत दिन हो गया हस्तिनापुर में रहते हुए, क्योंकि किसी तरह से उनको जाने नहीं देते थे। जब जब कृष्ण जाने के लिए तैयारी हो ना, मैया कुंती आकर रोक देती थी कुछ दिन रुक जा, हाँ, क्योंकि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी हमारे हर विपत्ति में आपने रक्षा किया, जब संपत्ति आई कम से कम हमारी तो कुछ सेवा को ग्रहण करो। अभी उनकी बात सुनकर कुछ दिन रुक जाते हैं, फिर जब जाने के लिए तैयारी होते ना तो द्रौपदी आ जाती हैं। बोले केवल क्या माँ की बात रक्षा करने के लिए रहोगे, मेरी बात पर नहीं? बोले ठीक है, कुछ दिन फिर रुक गए। फिर जब जाने के लिए तैयारी, बोले युधिष्ठिर महाराज बोलते क्या केवल द्रौपदी की बात सुनकर रहोगे, मेरी बात नहीं? फिर उनको कुछ दिन अब फिर जाने के लिए वह भीम अभी कृष्ण को ना घर से जाने नहीं दे रहे, किसी तरह से जाने ही नहीं दे रहे, किसी कुछ ना कुछ बहाना बना करके उनको रख लेते हैं। अभी बड़ा दिन जब हो गया, कृष्ण ने कहा देखो द्वारका तुम्हारी ही राज्य है, तुम्हारी भी राज्य है द्वारका, मेरे को जाना द्वारका है द्वारका जाना। इतने में युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बोले अर्जुन जाओ तुम निजे सारथी बन करके और तुम कृष्ण को विदाई दो, द्वारका ले जाओ। इतने में वहाँ पर श्वेत वर्ण छत्र धारण करते हुए किसकी, कृष्ण के सर के ऊपर में श्री उद्धव सात्विक की चामर व्यंजन करते हुए तब उन्होंने श्री कृष्ण को उन्होंने विदाई दिया। जिस समय विदाई दे रहे थे, जिस समय कृष्ण जा रहे थे, जिस गांव देकर कृष्ण जाए पूरा के पूरा गांव उमड़ पड़ता है और हर जगह पर भगवान की स्वागत करते 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 जिस गांव देकर गए हर गांव में प्रभु को स्वागत कर रहे, ऐसे करते करते कृष्ण द्वारका में पहुंचे। द्वारका में जब पहुंचे कृष्ण वहां पर शंख बजाए, पांच जन ने शंख बजाए, शंख की ऐसी आवाज है जिसको सुनकर पता चल जाता है कृष्ण आए। पूरा द्वारका प्रभु भगवान को स्वागत करने के लिए, पूरा द्वारका स्वागत करने के लिए आई। जब स्वागत करने के लिए आए कृष्ण सबसे पहले कितना प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता, सबसे पहले उन्होंने जाकर अपना बीवी से नहीं मिल गए है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने देवकी वसुदेव के चरणों को उन्होंने स्पर्श किया। उसको बाद में उन्होंने फिर जो जो वहाँ पर व्यक्ति थे, जो जैसे जैसे व्यक्ति थे उसके उसी अनुरूप जो शूद्र थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे, जथा योग्य प्रभु सबको सम्मान दिया, बच्चों को प्यार दिया, दे करके लास्ट में उन्होंने फिर पत्नियों को साथ में, फिर उन्होंने लास्ट में पत्नी को साथ में मिले हैं। इसलिए जगन्नाथ जब रथ यात्रा में जाते हैं ना किसको लेकर जाते हैं, अपना भाई बहन को। ऐसे नहीं शादी हो गया तो हाँ पत्नी हो गई बड़ी और भाई बहन को एक एक कोने में रख दिया, ले नहीं। इसलिए जगन्नाथ जब रथ यात्रा में जाते हैं किसको लेकर जाते हैं, लक्ष्मी को लेकर नहीं जाते हैं, लक्ष्मियाँ तो उनको रथ खींचती हैं, हाँ गोपियाँ रथ कर, लेकिन किसको साथ में रथ में बैठते, बहन और भाई। भगवान भी सिखा देते हैं भैया जो कुछ हो जाने पर भी अपना भाई बहन को, ऐसे पत्नी का प्रेम में पागल होकर भाई बहन को अपना त्याग दे दे। लास्ट में उन्होंने पत्नियों को साथ में, जब कृष्ण एक तो कृष्ण थे वहां पर एक, लेकिन वहां पर कितना पटरानियां थी 16,108, लेकिन कृष्ण जब गए ना कृष्ण तो एक थे लेकिन हर पत्नियां देख रही थी कृष्ण हमारे साथ में, रुक्मिणी मित्र बिंदा सब देख रहे थे कृष्ण हमारे साथ में ही कृष्ण आए हैं। तब यहाँ पर और एक बात बताते हैं, कहते भैया फिर क्या कृष्ण द्वारका में थे ही नहीं? बोले कृष्ण द्वारका भी नित्य थे, कृष्ण द्वारका छोड़कर कहीं नहीं जा, नित्य थे, लेकिन रहने पर भी उनका जो प्रेम है
कहते अनुराग है। अनुराग का लक्षण क्या, जब जब कृष्ण को देखे तब तक उनको नई 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 उनकी अनुभूति होता है। अभी कृष्ण गए और अपना पत्नी बच्चों के साथ में कृष्ण बड़े आनंद पूर्वक अभी द्वारका में लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। गौर बंद कर दो। हाँ कल कल